उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म विभाग से एक बार फिर आपके सामने पर्यटन का अगला अध्याय लेकर आए हुए हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने पर्यटन को समझना चाहा और हम लोगों ने पर्यटन की परिभाषा, पर्यटन के सार को समझने का वहां पर हमने काफी गहराई से अध्ययन किया। आज के अध्याय में यह उन विद्यार्थियों के लिए जो टूरिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं बहुत लाभदायक होगी, और आज के अध्याय में हम उन रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा इतिहास रहा है उसके साथ पर्यटन कैसे जुड़ा, उस इतिहास के साथ हमारे पर्यटन की क्या स्थिति थी, किस तरह से पर्यटन इतिहास के साथ समावेश करते हुए समानांतर दिशा में चलता रहा। आज का जो अध्याय है वह कुछ ही पन्नों का है लेकिन उसमें बहुत गहराई है। आधे से अधिक आप लोग पहले उसको पढ़ चुके होंगे पुराने अपने इतिहास की किताबों में, या किसी टीचर के द्वारा आपको इसके बारे में समझाया गया होगा। आज उन्हीं को संक्षेप में समझने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग एकाग्र मन से कुछ समय, 10-12 मिनट आप यहाँ पर देंगे। यह जरूरी इसलिए भी है कि आपको जब सवाल पूछा जाएगा पेपर में वहां पर लिखना भी होगा, और वैसे भी ये पर्यटन और इतिहास हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक विषय है, इसका अर्थ हिंदी में इतिहास कहलाता है, और इतिहास जब भी बना है वह किसी एक रूट है, उसकी जड़ है, एक उसका एविडेंस है, तथ्य है, उस आधार में इतिहास बना हुआ है। यानी जो हम बात आज करने जा रहे हैं वह किसी तथ्य पर आधारित होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास कोई कल या परसों की बात नहीं है, इतिहास कई वर्षों, आज जो दिन हम देख रहे हैं उसके नीचे हजारों परतें हैं। एक दिन दो दिन जब से सभ्यता शुरू हुई, और सभ्यता चाहे जब से भी शुरू हुई, असल में उस सभ्यता के होने के प्रमाण हमको जब से मिले हैं वह इतिहास है। यानी वह लिखित रूप हो, किसी अन्य रूप हो, किसी सिंबल के रूप में हो, वह मान्य हो और वो इस बात की गारंटी देता हो कि हम इसको इतिहास, यानी कि यह एक लेख जो हमें मिला है यह इस बात को साबित करता है कि यह हुआ कभी, यह कभी हुआ। तो इतिहास में अगर जाते हैं और हम टूरिज्म को उसके साथ जोड़ते हैं, टूरिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम्स, पुराने समय के इतिहास को और टूरिज्म को जोड़ते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है। पर्यटन सबसे पहले जो शुरू हुआ था वह लोगों के द्वारा को भोजन और शेल्टर, यानी रहने के लिए घर की जरूरत को पूरा करने के लिए हुआ होगा। यदि हम आज के चकाचौंध को छोड़ दें और समझने का प्रयास करें यहां पर पर्यटन क्यों करेगा आदमी, घर पर बैठा है ठीक ठाक है लेकिन क्यों बाहर जाएगा, क्यों टूरिज्म जनरेट होगा, वह इसलिए जनरेट होगा क्योंकि हुआ होगा। अगर हम बहुत इतिहास की बात करें, आज का अध्याय इतिहास है, क्यों हुआ होगा, या इसलिए हुआ होगा कि व्यक्ति को जरूरत पड़ी होगी फूड और फिर शेल्टर। यहां पर समझना फूड का क्या था, आज के परिवेश को अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटा करके अगर आप चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि उस समय न घर थे न इतनी सेफ्टी थी, लोग जंगलों में रहते थे क्योंकि जंगल ज्यादा थे, वहां पर वाइल्ड लाइफ का खतरा भी रहता था। अब यहां पर ध्यान से समझना, आदमी झुंड बनाकर रहते थे, ऐसा आप लोगों ने पहले सुना होगा, झुंड बनाकर के ग्रुप्स में रहते थे, और जिस जगह पर वो रहते थे, कुछ खास बातें यहां पर रहती है कि नदी के किनारे रहते थे कि उनको पानी आसानी से मिल जाए, नदी के किनारे की जगह उपजाऊ होती थी, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कई होते थे पहले से, उनका दोहन करके जब तक वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज थी तब तक वो वहां पर उनका पूरा ग्रुप रहा, जब तक रिसोर्सेज खत्म हुए उसके बाद में दे मूव टू अनदर प्लेस, दे माइग्रेटेड टू नेक्स्ट प्लेस। सो फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट। देन व्हाट मे माइट हैड हैपन, इसके साथ यह भी जुड़ा हो सकता है कि लोगों के साथ क्लाइमेटिकल चेंजेस जो होते हैं वह भी एक आदमी को माइग्रेट कराने के लिए एक मुख्य कारक के रूप में सामने आया हुआ है। इसके उदाहरण को हम आज के दौर में भी समझे तो गलत नहीं होगा कि गर्म जगहों में रहने वाले लोग
जाड़ों गर्मी के मौसम में ठंडे प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं, और ठंडे प्रदेश के लोग ठंडे के मौसम में गर्मी वाले स्थानों में आज भी माइग्रेट होते हैं। तो उसी उदाहरण को अगर पकड़कर पीछे लेकर जाए, जो लोग बहुत बर्फ वाले स्थानों में रह रहे हैं, जाड़ों में अगर अधिक ठंड हो जाती है तो उन लोगों ने वहां से माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर जाना टूरिज्म कहलाता है, यानी कि टूरिज्म हुआ। उसके अलावा अगर समझा जाए, अगर इतिहास में जाते हैं तो अटैक यानी कि जो आक्रमणकारी हुआ करते थे वे झुंडों पर कुनबों पर उनको लूट मचाने के हिसाब से या उनका किसी प्रकार से उनके वैल्यूएबल आइटम्स को लेने के लिए भी यह काम करते थे। तो बहुत बात ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लुटेरों से बचने के लिए भी लोगों ने अपने खतरे को भांपते हुए वहां से स्थान को आगे बदल दिया। तो यह भी एक कारण रहा है कि लोग पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट, सो टूरिज्म हैपन। नाउ इसके बाद थोड़ा थोड़ा आविष्कार यानी कि चीजें सिविलाइजेशन डेवलपमेंट शुरू हुए। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, धीरे धीरे आगे बढ़ी चीजें। तो क्या समझ में आया, यह समझ में आया कि अचानक से किसी सभ्यता में, वैसे मेसोपोटामिया और इसके इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पहिए का आविष्कार हुआ, उसने भी पर्यटन को आसान बनाया। लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को कंट्रोल करके फिर आगे बढ़ते थे, उस पर सामान रख करके और अपनी चीजों को लेकर के किलोमीटरों मील माइल्स चलते थे पर डे। फिर व्हील्स का आविष्कार हुआ तो बुलक कार्ट आई, घोड़ा गाड़ी आई, बैलगाड़ी आई। इसके बाद क्या हुआ, पैसे का जब आविष्कार हुआ, उससे पहले बार्टर सिस्टम था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। यह विस्तृत जो उत्तर लिखने होते हैं उसमें आप विस्तार से लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ क्लूज दे रहा हूं। आज के इसमें देखेंगे बार्टर सिस्टम में क्या था, कोई एक भौगोलिक परिस्थिति में लोगों ने दालें उपजाई, दूसरी भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोगों ने सब्जियां उगाई, तो वो आदान प्रदान जो आपस में लोगों ने किया है उससे क्या एक व्यवसाय उत्पन्न हुआ। लोगों को बहुत ज्यादा परेशान हुए बगैर आपस में ही आपसी सामंजस्य से चीजें उपलब्ध हुई, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेटर ऑन जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ या इसका स्थान ले लिया रुपये ने, कॉइन्स बनकर आई। कॉइन्स शुरू में कई एलॉय यानी कि दो तीन प्रकार की धातुओं को मिला देने से बनती थी, जैसे इलेक्ट्रम इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद लोगों ने समयांतर पर गोल्ड, आयरन, ब्रास, कॉपर इनकी भी कॉइन्स बनाई। इससे भी फायदा लोगों को क्या हुआ कि इतना ज्यादा भारी भरकम सामान ले जा करके भारी भरकम सामान लाने के बजाय छोटे से पोटली में कॉइन्स रखी, वहां से अपनी जरूरत की चीजें ले आए। इससे पर्यटन यानी कि व्यवसाय करने वाले को, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को व्यवसाय का एक आधार मिला, सुविधा मिली। किससे, आफ्टर दैट इन्वेंशन ऑफ मनी। तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने का एक उसको मजबूती मिली। क्या हुआ, सामान लूटने वाला लूट लेता है या पैसे लूटने वाला लूट लेता है, वो सेफ्टी वाले उस पर चर्चा आज न करके हम बात करें सिविलाइजेशन कैसे कैसे आगे बढ़े और पर्यटन किस प्रकार से इसके साथ जुड़ता रहा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था, आगे देखेंगे। टूरिज्म एंड हिस्ट्री अगेन एंशिएंट एंट्री, यहां पर एक चीज बताते हैं। अभी तक जो दो स्लाइड हमने पढ़ी, यह जाना कि जो पर्यटन हुआ वो किस वजह से हुआ, लोगों के एक प्रकार से मजबूरी समझ के चली, करना नहीं था लेकिन करना पड़ा, बर्फ पड़ गई, रहना मुश्किल हो रहा है, हमने जगह छोड़ दी, खाने के संसाधन खत्म हो गए हैं, मजबूरी थी जीवन यापन करने के लिए, हमने जगह छोड़ दी, आक्रमणकारी आए, हम पर जान की आफत आई, हम वी मूव टू नेक्स्ट प्लेस। लेकिन अब क्या हुआ, अगर पुरानी किताबें पढ़ी इतिहास की तो यह भी समझ में आता है कि रोमन्स, ध्यान रखना रोमन्स, इन लोगों ने सबसे पहले प्लेजर टूरिज्म को जन्म दिया। प्लेजर टूरिज्म कौन करता है, देखिए खाने की बात कौन करता है, जिसको भूख लगी होती है, लेकिन प्लेजर की बात कौन करेगा, जिसके पास यानी कि धनाढ्य लोग, जो लोग दे हैव इनफ मनी, दे हैव इनफ रिसोर्सेस ऑफ जनरेटिंग मनी, दे कैन, दे आर कैपेबल टू जनरेट टूरिज्म फॉर प्लेजर। तो रोमन्स के बारे में कहा जाता है कि वे लाव लश्कर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान, आज का पिकनिक है जैसे, लोग जाते थे। द प्लेजर ट्रेवल स्टार्टेड एट द सेम टाइम, उसी समय जब ये रोमन सिविलाइजेशन में यह कल्चर जनरेट हुआ कि प्लेजर टूरिज्म की शुरुआत हुई, उसी समय
अन्य देशों में, चाइना में, इंडिया में और जापान में भी कहा जाता है कि प्लेजर टूरिज्म का शुरुआत हुआ। दे ट्रेवल्ड टू सी टेम्पल्स एंड पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, मेडिसिनल बाथ, स्पाज और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। यानी ओवरऑल ग्लोब में तो लोग किस लिए जाना शुरू करने लगे, इजिप्ट के पिरामिड्स को देखने के लिए। अच्छे अच्छे जो रचनाएं बनी हुई हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो मंदिर बने हुए हैं, तो उनको देखने के लिए लोग दे माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट। देन व्हाट हैपेंड, टूरिज्म हैपेंड। तो आज का अध्याय क्या है हमारा, टूरिज्म को इतिहास से जोड़ के चल रहे हैं, किस प्रकार से विकास हुआ। अभी तक आदमी मजबूरी बस चल रहा था, अब आदमी शौक से बाहर बढ़ रहा है। द नेक्स्ट स्लाइड से टूरिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम, आप लोगों ने यह पढ़ा है, द ग्रेट फिलोसोफर्स फ्रॉम ग्रीस लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल गेव अ थॉट ऑफ ट्रेवल। इन लोगों ने लोगों को एक विचारधारा डेवलप कर दी कि पर्यटक होना चाहिए। कोई दो दिन चार दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए थे, वो ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट लाए थे। कितना वाला लाए थे, ईयर्स वाला, सालों साल वाला वो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। देखिए ग्रीक के इतिहास में स्पार्टा और एथेंस के नाम आज भी उपन्यासों में पाए जाएंगे। अगर आप कहानियां पढ़ेंगे पुराने समय की, एथेंस और स्पार्टा प्लेड इंपोर्टेंट रोल इन शेपिंग द एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री। आज वहां के शहरों में, वहां की रचनाओं में, कलाकारियों में, हम आपको वहां पर अगर विजिट करने कभी जाते हैं तो यू विल सी कि लोग इस सभ्यता को, लोग किस प्रकार से अट्रैक्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया था, कि जिस वजह से लोग वहां पर पहुंचते थे, दूर दराज के लोग इन्हीं जगहों पर क्यों आते थे। देन ये उस समय के पर्यटकों की इमेज आप कहीं भी आसानी से देख सकते हैं। यह इमेज इसलिए रखी गई है आप समझे कि पर्यटक किस प्रकार के होते थे। देखिए घर से निकल करके वर्षों तक बाहर हैं, दे हैव ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज व्हाट, नाव, बोट होती थी। उसमें बैठने की कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी जो है, 30 से 50 लोग तक जा सकते थे, अलोंग विद देयर लगेज, फूडिंग्स एंड ऑल, दे कैन कैरी अलोंग विद देम दीज आर्टिकल्स आल्सो। एंड नेक्स्ट से मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। अभी हमने इतिहास में जाकर के और पढ़ना है डिटेल में, तब हम जाकर देखते हैं। इन 13th सेंचुरी ट्रेवलर्स लाइक मार्को पोलो एंड इब्न बतूता, इनके नाम भी कॉमन है ना बेटो, तो इन्होंने क्या करा, यूरोप गए, पर्सिया गए, इस तरीके से उन्होंने इंडिया फॉर इयर्स एंड गेव डिटेल डिटेल्स ऑफ कम्युनिटीज एंड ज्योग्राफी टू द, इसको फिर से शुरू करा जरा, ओके, टूरिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, यहां पर मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे ट्रेवलर्स के बारे में चर्चा करने को मिलती है। तो यहां पर हम देखेंगे, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 13वीं सदी की बात हम कर रहे हैं। ये इन लोगों ने यात्रा शुरू की यूरोप, खासतौर पर इटली वॉज द सेंटर ऑफ ओरिजिन जहां से ट्रेवलर्स निकले। तो उन्होंने पर्सिया और इंडिया में कई सालों तक उन्होंने यात्राएं की, इन जगहों पर लोगों को जाना, समाज को जाना। फॉर व्हाट रीजन, फॉर एक्सचेंज ऑफ कल्चर, सभ्यता को समझने के लिए, या फिर व्यवसाय, दो एक बड़े कारण है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राचीन काल में इन लोगों ने यात्राएं क्यों की, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, इसमें आ सकता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी हो सकता है, एंड नेक्स्ट इज फॉर व्यवसाय, ठीक है। तो मार्को पोलो लेफ्ट इटली में 1271 में, कहा जाता है कि उन्होंने पर्सिया, जो आज का ईरान है, यहां से अपनी यात्रा शुरू की और अफगानिस्तान से होते हुए गोबी डेजर्ट, जो आज मंगोलिया और चाइना को जोड़ता है, वहां पर चाइना रहे और कई सालों तक वे चाइना में रहे, ठीक है भाई। उसके बाद बच्चों इब्न बतूता 14th सेंचुरी में चले थे तंजीर से टू अरबिया, मेसोपोटामिया, इराक। यानी कि दे ट्रेवल्ड नॉट टू अ कंट्री ओनली, दे ट्रेवल्ड टू एंटायर ग्लोब, दे हैड नथिंग विद देम, और अपना ही जोखिम उठा करके दुनिया को खोजने चल दिए, ठीक है। ये नाम आप लोगों को याद करने होंगे, कब ये चले ये पता कर लेना आप, थोड़ा डिटेल में एक एक प्रोफाइल बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इज मार्को पोलो, इब्न बतूता, एंड देन सम मोर ट्रेवलर्स यू कैन फाइंड इन योर बुक्स आल्सो। देन दीज आर द रूट्स, द सिल्क रूट कहते हैं इसको, सिल्क रोड एडवेंचर्स किस प्रकार से चले थे। देखिए आज दुनिया में आपको समझ में आएगा, लोग इतने संसाधन होने के बावजूद आज ट्रेवल करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इसको हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं।
लेकिन इन लोगों ने देखे विदाउट हैविंग रिसोर्सेज दे ट्रेवल टू एन नंबर ऑफ कंट्रीज एट दैट टाइम. इन द नेक्स्ट स्लाइड टूरिज्म ड्यूरिंग ग्रैंड टूर. ग्रैंड टूर जब टूरिज्म को एक ऐसा किक मिला, ऐसा स्टार्ट मिला कि जहां से मास टूरिज्म स्टार्ट हुआ, यहां पर आप लोगों को आजकल बहुत सारे सवाल इनसे पढ़ने को मिल सकते हैं. रिफर्स टू द टूरिज्म जनरेटेड बाय यूरोपियंस फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड गेटिंग एजुकेशन इन 17th एंड 18th सेंचुरी. कल्चरल एक्सचेंज और शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों ने जब मोबिलाइज करना शुरू करा तो दैट कम्स अंडर ग्रैंड टूर एरा. इन 1830 द फर्स्ट रेल रूट वॉज बिल्ट इन यूरोप बिटवीन टू सिटीज एट द सेम टाइम इन फ्रांस एंड जर्मनी. यानी कि एक क्रांति आई नहीं जिसमें क्या था, रेल रूट बना. तो रेल रूट बना तो मास का मतलब बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा प्राप्त हुई. इससे क्या फायदा हुआ कि टूरिज्म जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको एक आधार मिला, लोगों को ट्रेवल करने के लिए एक आधार मिला. देन मॉडर्न एरा यानी आजकल की अगर बात करते हैं, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. जब पहिए का आविष्कार ही नहीं होता तो हम इतनी बड़ी कल्पना भी नहीं कर पाते. इसने बड़ा एक मजबूती दी ट्रांसपोर्टेशन को. देन सेकेंड रिवॉल्यूशन अकर्ड व्हेन इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हैपेंड. सबसे पहले स्टीम इंजन जो था 18th सेंचुरी में जब बना तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ी क्रांति सामने देखने को मिली कि हजारों लोग ट्रेवल करने को के लिए सुविधा उनको महसूस हुई. दे कुड ट्रेवल इन डेक शिप्स प्रोपेल्ड बाय मोटर्स. तो ये बड़ी हेल्पफुल एक स्लाइड है, इसमें आप डिटेल में कभी इसको तलाशना. इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मास टूरिज्म. मास टूरिज्म का अर्थ बहुत ही सिंपल है, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक स्थान से दूसरी जगह पर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर करके जाना. इंक्रीज इन इनकम क्यों हुआ वाली बात है. इसलिए हुआ क्योंकि लोगों की क्या जनरेट होने लगी, पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर पार लोगों की बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी लोगों ने एक उसको अपना शौक पूरा करने के लिए लोग दे इंक्रीज द इनकम ऑफ पर. जब लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई, इनकम है, देन ओनली वी कैन ड्रीम टू ट्रेवल ना. देन मूवमेंट ऑफ मास टूरिज्म फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, रोडवेज रेलवे डेवलप हो गई थी. देन डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ने भी किसको जन्म दिया, मास टूरिज्म को जन्म दिया. देन नेक्स्ट टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन. टूरिज्म और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है टूरिज्म और पूरी दुनिया का हाल क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में. टूरिज्म किसी एक जगह या एक स्थान पर होने वाली क्रियाकलाप न हो करके ये पूरी दुनिया के साथ समानांतर चलता है. तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स टूरिज्म. हम अगर अपने देश के अंदर ही घूम रहे हैं तो टूरिज्म उतना ब्रॉड नहीं का अकाउंट होगा. टूरिज्म तब भी बड़ा है जब दो देशों की सरकारों ने, दो देशों के प्रशासकों ने इसको आसान बनाया बाय मेकिंग गुड पॉलिसीज. काहे कि जैसे वीजा पॉलिसीज या पासपोर्ट की पॉलिसीज, लोगों को आवागमन में सुविधा, ट्रांसपोर्ट में सुविधा मिली, तब भी लोगों ने टूरिज्म की तरफ को अपना अट्रैक्शन बढ़ा के रखा. और टूरिज्म जिस जगह पर हो रहा है वहां पर लोगों को भी इसका लाभ मिला. कैसे लाभ मिला कि वहां पर के लोगों की आय के संसाधन भी इसकी वजह से बढ़ते हैं, यह आपको समझना होगा. तो मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा. आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा टूरिज्म का इतिहास क्या है, कब से शुरू हुआ, यह इतिहास के साथ क्यों जोड़ा गया, और हमने यह भी समझा कि क्रम से बिफोर जब सिविलाइजेशन शुरू हुई तब से आज तक में किस प्रकार से सीक्वेंसिंग हुई, किस प्रकार से धीरे 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 डेवलपमेंट हुए, धीरे 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 आगे को लोगों ने पर्यटन को किस प्रकार से इसको लिया और इसका स्वागत किया. मास कम्युनिकेशन पर अलग से सवाल आता है, टूरिज्म के डेवलपमेंट पर अलग से सवाल आता है. इस स्लाइड को, इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुनेंगे तो कुछ नोट्स आपके निकल कर आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर द डे. थैंक यू.